हे फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं टीवीएस रेडर 125 वर्सेस हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125। दोस्तों, ये दोनों बाइकें आपको 125 सीसी सेगमेंट में देखने को मिल जाती है एंड दोनों ही बाइकों में आपको काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आपके लिए कौन सी बाइक सही रहेगी, आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लैमर एक्सटेक के एक्स शोरूम प्राइस की। इसकी डिस्क ब्रेक वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस आपको 89,919 रुपीस देखने को मिल जाती है। वहीं टीवीएस रेडर की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको डिस्क वेरिएंट की 94,511 रुपीस देखने को मिलती है। बात करते हैं ग्लैमर के लुक्स की, तो फ्रंट में आपको फुली एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको 2 DRLs के साथ एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स आपको हेलोजन के देखने को मिल जाते हैं एंड बाइक में आपको छोटी सी विंडशील्ड भी देखने को मिल जाती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। वहीं रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको एलईडी टेल लैम्प के साथ हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करते हैं टीवीएस रेडर की, तो इसके फ्रंट में आपको 2 DRLs के साथ एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर्स आपके हेलोजन के ही देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस बाइक में आपको विंडशील्ड देखने को नहीं मिलती है। वहीं रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 2 LED टेल लैम्प देखने को मिल जाएंगे एंड इंडिकेटर्स आपको हेलोजन के ही देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक का लुक भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड 125 सीसी होने के बावजूद भी दोस्तों ये बाइक स्पोर्ट्स बाइक का लुक देती है। तो ओवरऑल लुक वाइज आपको कौन सी बाइक पसंद आई नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। चलो अब बात करते हैं बाइकों के इंजन डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लैमर एक्सटेक की, तो इसमें आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI इंजन देखने को मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर आपको 10.72 BHP देखने को मिलती है एट 7500 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको 10.6 Nm का देखने को मिलता है एट 6000 RPM। वहीं बात करें टीवीएस रेडर की, तो दोस्तों इसमें आपको 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर प्लस ऑयल कूल्ड FI इंजन देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें आपको 3-वेल्व इंजन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं पावर की, तो इसमें आपको 11.2 BHP देखने को मिलती है एट 7500 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको 11.2 Nm का देखने को मिलता है एट 6000 RPM। दोनों ही बाइकों में आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। बात करते हैं ग्लैमर एक्सटेक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। वहीं माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 60 से 65 KMPL तक का माइलेज इजिली देखने को मिल जाएगा। टीवीएस रेडर की बात करें तो इसमें आपको 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है एंड इसमें भी आपको 60 से 65 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। टीवीएस रेडर में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है एंड सीट भी इस बाइक की काफी ज्यादा कुशनी है, तो इस बाइक में आप लॉन्ग राइड्स भी कर सकते हो। वहीं ग्लैमर एक्सटेक की बात करें तो इसमें आपको सिंगल सीट देखने को मिलेगी एंड इसकी भी सीट कुशन काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। दोनों ही बाइकों में आपको कंफर्ट काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लैमर एक्सटेक की, तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं रियर की बात करें तो इसमें आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा। वहीं टीवीएस रेडर की बात करें तो इसमें भी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं रियर में आपको मोनोशॉक 5-वे एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बाइकों के ब्रेक्स एंड टायर साइज की, तो सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस रेडर की, तो इसके फ्रंट में आपको 8017 के टायर देखने को मिल जाएंगे। वहीं फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज आपको 240 mm का देखने को मिल जाएगा एंड रियर टायर की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 190/17 का टायर देखने को मिलेगा एंड इसके रियर ड्रम ब्रेक का साइज आपको 130 mm देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं ग्लैमर एक्सटेक की, तो इस बाइक के फ्रंट में आपको 80/18 के टायर देखने को मिल जाएंगे। वहीं फ्रंट के ड्रम वेरिएंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा एंड डिस्क ब्रेक वेरिएंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको बाइब्री के ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। वहीं रियर टायर की बात करें तो इसमें आपको 180/18 के टायर्स देखने को मिल जाएंगे एंड रियर ड्रम ब्रेक का साइज आपको 130 mm का देखने को मिल जाएगा। दोनों ही बाइकों में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं दोनों बाइकों के मीटर कंसोल की, तो दोनों ही बाइकों में आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्लैमर एक्सटेक की, तो इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर भी देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको RPM मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, टाइम, ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, डेट ट्रिप ए, ट्रिप बी एवरेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर देखने को मिल जाते हैं एंड ऊपर के साइड आपको सभी वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर, न्यूट्रल, I3S, इंजन माल फंक्शन, सारी वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाती है। वहीं बात करते हैं टीवीएस रेडर की, तो इसमें भी आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको RPM मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, क्लॉक, हेलमेट रिमाइंडर, फ्यूल गॉच, इको पार मोड देखने को मिल जाता है एंड लो फ्यूल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है।
दोस्तों TVS Raider में आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं बाइकों के डायमेंशन की, तो सबसे पहले बात करें हम TVS Raider की, तो इस बाइक में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। डिस्क ब्रेक वेरिएंट का आपको वेट 123 kg देखने को मिलता है। व्हील बेस आपको 1326 mm का देखने को मिल जाता है। एंड सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको 780 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 110 से 115 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। वहीं ग्लैमर एक्सटेक की बात करें तो इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वेट आपको 123 kg का देखने को मिल जाता है डिस्क वेरियंट का। व्हील बेस आपको 1273 mm का देखने को मिल जाता है। एंड सीट हाइट आपको 793 mm की देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 105 से 110 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। तो TVS Raider में आपको क्विक स्टार्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड ग्लैमर एक्सटेक में आपको क्विक स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप क्विक वाली बाइक लेना चाहते हैं तो आप ग्लैमर के साथ जा सकते हैं। सो अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको TVS Raider के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उस बाइक का लुक आपको 150-160 cc बाइक की तरह देखने को मिल जाता है। एंड लुक्स के मामले में TVS Raider काफी ज्यादा बढ़िया दिखती है। एंड साथ ही साथ उसका पोस्चर भी थोड़ा सा एग्रेसिव देखने को मिल जाता है, जिससे कि वो स्पोर्ट्स बाइक का लुक आपको देती है। वहीं बात करें ग्लैमर की तो दोस्तों ग्लैमर में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ वो कम्यूटर बाइक के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। एंड उसका पोस्चर काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो अगर आप एक सिटी कम्यूटर देख रहे हो तो आप ग्लैमर के साथ जा सकते हो, काफ़ी अच्छी बाइक है। एंड उसमें आपको फीचर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। एंड ग्लैमर में आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाता है, वहीं Raider में आपको किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल यही थी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।